तीन काले कानून दिए और 22 महीने पहले इन किसानों से जो वादा लिखित में किया था, जब उसको मनाने के लिए मनवाने के लिए जब वापस दिल्ली जाने लगे हमारे किसान भाई, तो उनको रोड पे रोक दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। यही देश के प्रधानमंत्री 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन तीन काले कानून का जिला है, शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, युवाओं का जिला है, वहां पर आकर के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसान की जो अपनी भी योजना 4 साल के एसआई सेना की नौकरी को स्थायी करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के ऋण माफी की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, और केवल मात्र बात कर रहे हैं कि हमने 376 उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे एमएसपी का, कर माफी का, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा नहीं किया था क्या? आज देश के प्रधानमंत्री अजमेर जिले में आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि आपने अजमेर में कहा था कि 13 दिनों की आरसीपी मैं जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, आज 5 साल के बाद में भी वो आरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं हुई है। यहाँ पर एक इस प्रकार से 25 से बनी हुई सरकार थोप दी, और उस सरकार के बनाने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हरियाणा का और राजस्थान का पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा, आज भी 4 महीने बाद में भी 10 रुपए का अंतर प्रति लीटर यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान में है। देश के प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भ्रमित करते हुए घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध कर लिया था कांग्रेस के समय में, आज हम अपराध मुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे सीएमओ में, सीएमआर में रहने वाले सीआई के बेटे ने हत्या कर दी और आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनको कोई परवाह नहीं है, ये देश के असली मुद्दों से ध्यान हटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, ये मौका है, ये हमारा न्याय पत्र है। आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक गारंटी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हैं, इसको गांव गांव डाणी डाणी पहुंचाना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान का किसान, नौजवान, मातृशक्ति, 36 कौम के लोग राजस्थान में ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा गुल खिलाएंगे कि दिल्ली में मोदी सरकार का मोरिया बोलेगा। ये मैं आप सबका बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे बहुमूल्य नेता नरेंद्र खड़गे, सोनिया गांधी जी, पीआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, रंधावा का प्रभारी गोविंद दत्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, नीरज गांधी जी, श्री जोशी जी, बीडी कलाता चंद्रमान जी, रघु शर्मा जी, दिल्ली गुजर जी, अमृता धाम, प्रताप जी खजरेबाग और तमाम उपस्थित कमरे मंच, उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से खड़गे साहब का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का आदि स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि सोनिया जी के राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनने के बाद में पहला अवसर आया है जब वो हमारे बीच प्रधानी हैं, इस बात की हमें अत्यंत खुशी है। मैं उनका हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। खुशी है कि आपने जयपुर चुना मैंने कल लॉन्च करने के लिए, और मैं आपको इस मौके पर, मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं 25 साल पहले जब सोनिया गांधी जी ने, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मौका दिया सीएम बनने का पहली बार, उस वक्त मैंने परंपरा डाली थी
कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आता है चुनाव के बाद उसमें भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता। मैंने नई परंपरा शुरू करी, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैंने मैनिफेस्टो को रखा, चीफ सेक्रेटरी को कहा क्योंकि हम वादा करके आए मैनिफेस्टो के आधार पर ये हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह होगा, तो तमाम सरकारी स्कीमें मैनिफेस्टो के वादे किए हम जनता से उसको साथ रख करके आपको पूरा करना है। नई शुरुआत हुई थी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर, आपके सेक्रेटरी, तमाम लोगों के ब्रीफ केस करने मैनिफेस्टो पहुँच गया, वो दिन याद है। वही परंपरा हमने दूसरी बार सी एम बना स्तर रखी, तीसरी बार रखी, इस बार 90% मैनिफेस्टो ने पूरा किया। मुझे खुशी है हमारी मैनिफेस्टो और हमारी जो योजना थी, क्योंकि खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने अब जो नया मैनिफेस्टो बनाया है वो एक प्रकार से इतिहास बन जाएगा देश के अंदर, इतिहासिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इतना शानदार न्याय, इतनी शानदार गारंटी दी गई है उसमें, हमारे शहरी रोजगार की बात हो, गिग वर्कर एक्ट की बात हो, हेल्थ की बात हो, जनरल योजना की बात हो, तीन योजना हमारी रखी गई है उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर। इस बात से मेरे बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगा खड़गे साहब, आपकी टीम ने जो मैनिफेस्टो थे, जिन्हें मैनिफेस्टो बनाया है, राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो हजारों लाखों लोगों से मिलना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, गरीबों से, दलितों से, युवाओं से, छात्रों से, महिलाओं से, देश की जनता से, उसके आधार पर आप लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार करवाया गया है। उसके आधार पर आपने राइट टू सोशल सिक्योरिटी दुनिया भर के मुल्कों में है, अब आपने शुरुआत कर दी है कि देश के अंदर भी हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिले। इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैनिफेस्टो हम सभी बैठे हुए हैं, हम ये संकल्प लेकर जाएं मैनिफेस्टो की भावना को, मैनिफेस्टो लेते हुए बिंदुओं को, आप जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं वो भी, और हमारे विधायकगण भी, तमाम नेता लोग अपने अपने नाम छपाओ और गांव गांव घर घर में पहुँचाओ। चुनाव का कैंपेन भी हो जाएगा, मैनिफेस्टो का एक एक पॉइंट बहुत बेहतर लगता है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अब बड़े भी तौर पर लगेगा, अब गर्व महसूस होगा। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का लंबा इतिहास आजादी पहले का भी है, और महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, जिसके लिए हम कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जा उड़ रही है, इनकी इनकम टैक्स की पीछे छिप करके ये लोग शासन कर रहे हैं, इन सबकी पोल खोलने का वक्त आ गया है। यही बात कहता हूँ मैं आप सब प्रजाओं में, आह्वान करूँगा कि कृपा करके आने का मकसद तभी पूरा होगा तो मैनिफेस्टो की भावनाओं को आप लोग घर घर पहुँचाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और AICC के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय पायलट साहब, खड़गे साहब, हमारे महासचिव सम्मानीय प्रियंका गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, इंदावा जी, डोकासा साहब, मंच पर सभी हमारे नेतागण, हमारे प्रत्याशीगण, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और आज इस सभा में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी जयपुर आए हैं, राजस्थान आए हैं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा घोषणा पत्र, जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालय पर औपचारिक रूप से जनता को प्रस्तुत किया था, आज जयपुर के माध्यम से पूरे देश भर में
जन जन तक हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचे, इस इरादे को लेकर यहाँ पर आए हैं। आप सभी जानते हो इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। और 10 साल से देश में जो वातावरण बना है, 10 साल से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनाव है कि 10 साल से जनता के साथ वादा खिलाती हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खड़गे साहब का, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानूनी अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला नौजवान श्रमिक हर वर्ग को साधने का काम हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा मौका हम लोगों को मिला है। राजस्थान से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। और 2004 में भाजपा ने घमंड और अहंकार में प्रचार किया था इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वही होगा जब सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 24 में भी पलटफेर होगा, NDA हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जिसने पूरे देश के अंदर आम व्यक्ति को जो कानून दिए, चाहे राज्य में गए थे, जिनके अध्यक्षता में ये सारे कानून बने, ऐसी आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो दान ताली बजाकर सब लोग सोनिया जी का स्वागत करें। हमारे सोनिया गांधी जी के स्वागत के लिए माला पहना के आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब उनका स्वागत करें, शोल उड़ाकर आदरणीय सचिन जी पायलट साहब उनका स्वागत करें, माला पहनाकर हमारे सह प्रभारी चिरंजीव राव जी उनका स्वागत करें, मैं उनका आमंत्रित करता हूं। साथियों, देश के अंदर देश की महिला शक्ति को जगाने वाली, उनको राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई पहचान देने वाली और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली हमारी AICC की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखे और जोरदार तालियों के साथ आ। चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।